नमस्कार श्रोताओं, मुख्य प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं लता देवी चौहान। पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। रायपुर में आज तीन पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में उन्हें भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव साय जशपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। वे कुनकुरी इलाके के कांसाबेल से लगे बगिया गांव के रहने वाले हैं और जाने माने आदिवासी नेता हैं। मुख्यमंत्री निर्वाचित होने के बाद श्री साय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम करेंगे। पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है और वे सबके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने प्रदेश में 18 लाख मकानों की स्वीकृति देने की भी बात कही। मुख्यमंत्री निर्वाचित होते ही श्री साय ने घोषणा की कि आगामी 25 दिसंबर को किसानों को पिछले दो वर्षों का धान का बकाया बोनस प्रदान किया जाएगा। इस बीच विष्णुदेव साय ने राजभवन जाकर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की और अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी देशभर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थान प्रमुखों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी कल राजभवन में विकसित भारत 2047 आइडियाज पोर्टल के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन का प्रसारण किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के युवा संगम कार्यक्रम के तहत आईआईटी गोवा से आए विद्यार्थियों ने आज राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। जांजगीर चांपा जिले के पकरिया झूलन गांव में ट्रक की टक्कर से कार में सवार दूल्हा दुल्हन सहित पांच बारातियों की मौत हो गई और हरियाणा के हिसार में पदस्थ सेना के एक जवान चुवाराम सेन की प्रशिक्षण के दौरान गिरने से मौत हो गई है। यह जवान धमतरी जिले के ग्राम सारंगपुरी के निवासी था। ये थे अब तक के मुख्य प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।